खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। लोकसभा चुनाव 2019 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला अंतर्गत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह के निर्देश में अति पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी की मॉनिटरिंग में विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में विगत दिवस थाना गोटेगांव क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बाईपास गोटेगांव झोतेश्वर रोड पर जीवन सिंह पिता सरदार सिंह जुनेजा सिकली उम्र 42 साल निवासी ग्राम गरी थाना विष्टाना जिला खरगोन अपने पास अवैध रूप से देशी पिस्टल बिक्री के आश्रय से घूम रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अति पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी गोटेगांव पीएस बालरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शर्मा आरक्षक संजय मिश्रा अनुराग पटेल राजेंद्र पटेल एवं आरक्षक लक्ष्मी नकपुरे की टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु घेराबंदी की गई जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई जिसके कब्जे से 4 देसी पिस्टल बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना गोटेगांव में अपराध क्रमांक 153 2019 धारा 25 से 27 आर्म्स एक्ट कायम किया गया है। अरे असलम पुलिस की सफलता है, इसमें मेन आदमी जो है सरदार सिंह जुनेजा जो कि स्वयं हथियार बनाता है और बेचता है, इस आदमी को गिरफ्तार किया गया है। सरदार सिंह जुनेजा गारी गांव का खरगोन जिले का रहने वाला है जो हथियार खुद बनाकर बेचने से काम करता है। पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर श्री गुरुकरण सिंह जी द्वारा एक विशेष अभियान, आपने देखा जो अभी अवैध उत्खनन को हुआ, फायर आर्म्स को लेके और अवैध हथियार दारू जुआ सट्टा इसकी जो मुहिम चल रही है मादक पदार्थों के खिलाफ में, उसी के तारतम्य में कल थाना गोटेगांव में एसडीओपी बालरे साहब और टीआई प्रभाष शुक्ला साहब और क्राइम स्क्वाड के जो लोग हैं रघुवंशी संजय और राजेश संजय, ये सब लोगों ने एक सूचना जो प्राप्त हुई थी उसको डेवलप किया और गोटेगांव बाईपास पर एक आदमी जो हथियार बेचने के लिए आया हुआ था खरगोन से सरदार जुनेजा उसको पकड़ा। उसके पास से 4 कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है और 25-27 एक्ट का मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जा रही है। इससे पूछताछ करने पर और भी कुछ बातें पता चली है, शीघ्र जहां भी इसने सप्लाई किया उन आदमियों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। ये पिस्टल इसने बताया कि ये 25-30 हज़ार रुपए बोलता था और जरूरतमंद आदमी को तो ज्यादा में भी देता था। नरसिंहपुर समय जगत के लिए राजेश नेमा जूनी की रिपोर्ट। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।